ये कर्म खंड की बाणी जोर है, कर्म बख्शिश वाले खंड विच जाके बाणी च इन्ना जोर आ जांदा, फिर उन्हों जबान नू ताला ला के रखना पैंदा, स्यों के रखनी पैंदी जबान, फिर बिल्कुल नहीं बोलना। जे माड़ी जी गल कर दित्ती, क्योंकि दूजे का नुकसान हो जांदा, फिर आप नू जाके किते लोके बहना पैंदा वह बंदे नू, कि रब्बा किते होर बंदा ना मेरे कोल आ जाए, किते इहदा किसे दा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि संसारी बंदे हुंदे ने हेरा फेरिया वाले, चलाकियां वाले, मूँह चो गल होर बोल दिंदे ने, करदे उहनू है नहीं, वह जद करदे नहीं तो वह सुते सिद्धी उहदे मूँह चो कोई वाक निकल गया वह पुट्ठा हो जांदा। इस करके फिर अपने नेड़े नहीं किसी नूं लाउंदे, इस करके नेड़े नहीं लाउंदे कि बेचारे का नुकसान ना हो जाए, क्यों इहने करनी हेरा फेरी। संसारी बंदे नूं आदत हुंदी हेरा फेरी करन दी, झूठ बोलण दी, एवें गल्लां वड्डियां वड्डियां बना बना करी जाणगे। इस करके जिन्हां दे बख्शिश हो गई उहनां नूं नाले ये सारिया पौड़ियां यही अवस्था दे भी दिंदियां ने। तिथै होर ना कोई होर, उत्थे होर कोई नहीं पहुंच सकता उहदे बराबर, उत्थे होर कोई रिद्धियां सिद्धियां की गल नहीं, उत्थे होर कोई दजैगी वाली माया की गल नहीं, उत्थे किसी प्रकार की होर कोई गल ही है नहीं सवाए नाम तो। बस जेता कीता तेता नौ ही है, उत्थे नाम ही नाम जपी जांदा। उस अवस्था विच कौन कौन बैठे ने, तिथै जोध महाबल सूर, उत्थे बैठे ने बड़े बड़े नाम जपण वाले जोधे। जोधा कौन है जी? कहने जिन्हें अपनी इंद्रियां नू बस विच कर लिया, जिन्हें श्रवण मनन अध्यासन करके बहुत उच्ची अवस्था प्राप्त कर ली, महाबली महारथी। सो जिन्हें अपने मन नू जित लिया, सूरमा जिन्हें परमेश्वर की प्राप्ति कर ली है, जोधे महाबली सूरमे उस स्थान के उत्ते वसते ने जिन्हां ने मन करके, जिवें महाराज ने वचन किया, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा, आत्म जिन्हें सगल वस तां क्या जाका सतगुर पूरा, तिन मह राम रहा भरपूर। उन्हां दे हिरदे दे विच राम भरपूर हो जांदा, जिवें सरोवर का पानी उपरली पौड़ी तक नक्को नक भर जावे ना, इस तरह उन्हां दे हिरदे च राम का प्रकाश, उन्हां दे रोम रोम दे विच नाम का जाप आरंभ हो जाता है। महाराज जे उन्हां दे हिरदे च राम भरपूर हो जाता है, राम दे नाल तां सीता भी है, ते सीता केड़ी है इत्थे? तां उस वक्त कहण लगे भाई उत्थे ओ सीता नहीं है, वो इत्थे होर तरह की सीता है। केड़ी? कहिंदे तिथै सीतो सीता महिमा माहे, जिहड़ा महिमा दे विच सियौंता ही सियौंता पिया ना, बिल्कुल जिवें मशीन कपड़े सियाण वाली सियों दिंदी ना कपड़े नूं, इस तां महिमा दे विचों सियौंते गए ने, यही जे महिमा करन रूपी सीता है उन्हां दे पास, उन्हां दे च राम भरपूर हो जांदा। जिवें हनुमान जी ने अपनी छाती पाड़ के दिखा दित्ती सी, कहिंदे आ देख मेरे तां चमड़ी दे विच, मेरे तां रोमां दे विच सारे किते राम दा ही नाम वसिया होया, मेरे हिरदे च राम वसिया होया। फिर इस करके महाराज कहने जिन्हां दे हिरदे च नाम है, तिथै सीतो सीता महिमा माहे, वह महिमा दे विच ही सियौंते पए रहिंदे ने। जिहदे हिरदे च नाम बस जांदा उहदे ते कृपा हुंदी है, ताके रूप ना कथने जाहे, उहनां दे रूप किते कथन कीते जा सकदे ने? वह तां ऐसे सुंदर सरूपां वाले बन जांदे ने, वह तां ऐसे बन जांदे ने कि अगे जा के महाराज सच्चे पातशाह जी का कथन करनगे, उन्होंने सरूप कैसे होंदे ने, उन्होंने सरूप असल विच इन्ने प्रकाशमई होंदे ने, जे किते वो किसी के सामने खड़ जान दर्शन दे देन, इन्ना तेज प्रकाश हुंदा सहारिया नहीं जाता, इन्ना प्रकाश हुंदा उन्हां दा, डर लगता हुंदा उन्हां दा। इसे करके जिहड़े गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी ने उन्हां कोलों ज्यादा माया कहिंदी आ, जिहड़े माड़े मोटे ज्ञान वाले इन्हां तों तां नहीं मैं डरदी, पर जिहड़े आ ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख प्यारे ने, गुरमुख लास्ट स्टेज आऊगी हुण ब्रह्म ज्ञानी की, अखीरली अवस्था ब्रह्म ज्ञान की गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी तो काफ़ी होंदे ने, इन्हां च खासियां अवस्था ने ब्रह्म ज्ञान विच भी, वैसे होंदे सारे साधु पूरे ही ने, पर ब्रह्म ज्ञान की लास्ट स्टेज माया नूं क्रॉस कर जाना जदों, जिन्हां च बाबा आनंद सिंह जी कलेरां वाले ते बाबा अतर सिंह जी मस्तुआं वाले ये माया नूं पार ही कर गए, पार ही इस तरह कर गए
कि माया इन्हां दे पिछे ही पई रही तैनू सिटना है। बाबा अतर सिंह जी मस्तुआणा दे पिछे पई रही तैनू सिटना है। मैं बड़े बड़े साधु सिट दिते, तू कि बाग की मोली है। बाबा जी छप्पड़ च वड़ गए, पोह माघ के दिनों एक हफ्ता पानी के बाहर ही नहीं निकले, शरीर सुन्नी हो गया सारा, माया भी बाहर ही खड़ी रही अपना रूप धारण करके बिना बस्त्रां तो। कहनी तैनू सिटना। सत दिन तक जो बाबा जी बाहर ना आए तो उतों फिर माया ने दूसरा रूप धारण करके मत्था टेक दिता। कहन लगी धन है अतर सिंह, धन है तू, धन धन बाबा अतर सिंह मस्तू आने वाले। इउं कहिंदी है, कहनी जन नानक गुरमुख नेड़ ना आवां, जो तू कह सो कार कमावां, जन नानक गुरमुख नेड़ ना आवां, तेरे कोलो मैं डरदी हां। ऐसे गुरमुख ब्रह्म ज्ञानियों तो माया डरती। बड़े महापुरश इत्थे बैठे, सिर्फ दोक दे प्रमाण दिते ने अपने च, बड़े महापुरश सिख पंथ विच ऐसे होए ने, ताके रूप ना कथने जाहे, उन्हां दे इन्ना तेज प्रभाव हुंदा, इन्ना प्रकाश हुंदा उन्हां दा, महाराज कहिंदे उन्हां दा रूप कथन नहीं आपां कर सकदे। ना ओहे मरहै ना ठागे जाहे, ना ओह मरदे ने आत्मक मौत, विशियां दी मौत अवस्था तां काफी उच्ची चली जांदी है। हिरदे च जाप भी होण लग जे, रोमां विच भी चला जांदा कई बार जाप। आ जिहड़े विषय विकार ने ना, ये नहीं खेड़ा छड़दे, रोम रोम जाप वाले नूं भी थोड़ा परेशान करदे ही रहिंदे ने, रूप परेशान करदे रहिंदे ने। तो इस करके जिहड़ी ब्रह्म ज्ञान की संपूर्ण अवस्था इत्थे हुण कह रहे ने कि रब दे प्यारे ना तां आत्मक मौत मरदे ने। कई वारी बहुत उच्ची अवस्था वालियां तों भी करहत हो जांदी है, क्योंकि माया प्रबल बड़ी है, सिट लैंदी है उन्हां नूं। इस करके इत्थे जिहड़ी सनमुख की अवस्था च महाराज कहिंदे ना ओह मर है ना ठागे जाहे, ना उन्हां नूं काम करो लोभ मोहंकार ठग सकदे ने, ना ओह आत्मक मौत मरदे ने, ते ना उन्हां नूं विशे विकार कोई असर पा सकदे ने। किन्हां नूं जी? जिन कै राम वसै मन माहे, कहिंदे जिन्हां दे हिरदे विच नाम वस जांदा जाके, हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। इस करके कहिंदे जिन्हां दे हिरदे च राम वस जांदा है उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। सो सुभाविक ही कई चीज़ां सामने आ जांदियां ने। जद हनुमान जी पता लैके आए सीता दा, रामचंद्र जी कहिंदे वह तो मर गई होनी हुण तक, कहिंदे ना जी वह तो नहीं मरी, कहिंदे वह मरन दे किनारे ते ही रहिंदी आ, बस शरीर छड्ड जांदी फिर शरीर च आ जांदी। कहिंदे उहनूं लैण वाले आउंदे ने रामगण, फिर ले जांदे नहीं। कहिंदे क्यों? कहिंदे तुसीं उहनां दे हिरदे जो बैठे हो, वह तुहानूं हिरदे च बसा के बैठी हुई है, इसे करके तो उहदे प्राण ही नहीं निकल रहे, ना तो उन्हें अज तक रोटी खाधी ना पानी पीता, पर तुहाडे नाम दे आसरे ही ज्यों ही जांदी आ। इस करके महाराज कहिंदे ने जिन कै राम वसै मन माहे, जिन्हां दे हिरदे च राम परमेश्वर का वासा हो जांदा है, फिर उन्होंने ना पानी डबो सकदा, ना जहर उन्होंने कोई असर पाउंदी है, ना अग साड़ सकती। तिथै भगत वसै केलो, ये जिहड़ा कर्मखंड है बख्शिश खंड है ना, ये के लोग कई लोगों के भाव कई धरतियां के भगत वसते ने, कई प्रकार के भगत उत्थे वसते ने, कई प्रकार के भगतों का वासा है, कर है आनंद, वह आनंद माणते ने उत्थे बैठे, सच्चा मन सोए, क्योंकि उन्होंने मन में अकाल पुरख वसे हुए ने। तत्पाद का लख अर्थ अकाल पुरख वाहेगुरु उन्होंने हिरदे च वसया होया है, इस करके वह आनंद माणते ने। यह है सनमुख की अवस्था। छेवीं भूमिका, हुण सत्तवीं भूमिका ब्रह्म ज्ञान की, जिथे जाके जागृत सुपन सखोपत तिने अवस्था मुक्की जांदियां ने, नामों निशान नहीं रहता उन्हां दा, जिथे माया भी मुक जाती है खत्म। बस जिहदे हिरदे च संपूर्ण प्रकाश हुंदा है उहनूं कहिंदे गुरमुख। वह गुरमुख की अवस्था सिद्ध गोष्ठ विच महाराज ने सिद्धां दे नाल चर्चा करदिआं सुनाई सी उन्हां नूं। आओ हुण आपां सुते सिद्ध हरेक नूं, आओ जी गुरमुख प्यारे, आओ जी गुरमुख, ये बड़ा बंदा गुरमुख है। लो हुण गुरमुख की अवस्था है, सत्तवीं भूमिका है,
जिन्हों तुरी अवस्था कहते हैं, जिन्हों चौथी भूमिका भी कहते हैं। अठवीं अवस्था सतगुरु की है जिहड़ी अगे अठत्तीवीं पौड़ी च आउणी है। यह दुनिया विच रहण वाले हरेक जीव जिहड़े ते कृपा हुंदी है, यह अवस्था भाई पारो नूं दित्ती महाराज ने। जिहड़ी सत्तवीं भूमिका आपां हुण सुण लगे हैं, यह बाबा बुढ़ा जी कोल सी, यह बाबा गुरबख्श सिंह जी राम कुंवर कोल रही है। इन्हां कोल तां तिन्नां कोल खैर अठवीं भूमिका भी पहुंच गईआं सी, ताइयों तां महाराज शरीर छड़ा दिंदे ने, छड़दे शरीर हुण साडे च लीन हो जा। सत्तवीं भूमिका कहिंदे ने सचखंड बसै निरंकार, कहिंदे उह निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु सचखंड च अपना वासा करदे ने। ते सचखंड इह खंड दा नाम ही सच दा खंड है, जिथे निरोल अकाल पुरख वाहिगुरु दा वासा है, जिस हिरदे विच उहदा संपूर्ण प्रकाश हो के माया दा बिल्कुल अभाव हो जाता है, जागृत सुपन सुखोपत अवस्था भी मुक जाती, जिथे जाके जिस हिरदे च निरंकार वसदा है उस हिरदे दा नाम भी सचखंड बन जाता है, वह सचखंड ही पुरश बन जाता है, सचखंड का रूप ही हो जाता है, अकाल पुरख का रूप ही बन जाता है। कर कर वेख है वह करके, श्रवण करके, अध्यासन मनन सब कुछ करके फिर वेख है, फिर वेख लैंदा अकाल पुरख नूं, वेख है नदर निहाल। अकाल पुरख भी अपनी कृपा दृष्टि करके उन्हूं निहाल कर देंदे ने, अपनी नदर नाल देख के उन्हूं दुखां तों रहत कर देंदे ने। तिथे खंड मंडल वर भंड, उत्थे इन्नी उच्ची अवस्था बन जाती है कि नौ खंडां दा ज्ञान, सारे मंडलां दा ज्ञान, ब्रह्मंडां दा ज्ञान, उन्हूं बैठे नूं ही सारा कुछ नजर आउंदा है। कोई चीज ऐसी नहीं जिहड़ी नजर ना आउंदी होवे, जिवें आसमान दे विच जदों उड़ जांदे ने रॉकेट वगैरह, इन्हां नूं धरती औले वांगू दिखदी छोटी जी, ते फिर कई धरतियां दिखदियां। ब्रह्म ज्ञान दे विच गुरमुख नूं ऐ चीज़ां दिखदियां, सारे खंड मंडल वर भंड हरेक चीज नजर आउण लग पैंदी है। जे को कथा है तां अंत ना अंत, जे कोई उन्हां दा अवस्था भी कथन करे कि इन्हां दी अवस्था इन्नी होवेगी, इन्हां दी अवस्था इन्नी होवेगी, क्योंकि देखण नूं आपां नूं सारे बंदे इक्को जिहे लगदे हुंदे आ, गल तां हुंदी वी अंदरली अवस्था दा फर्क पैंदा। महाराज सच्चे पातशाह जे को कथा है तां अंत ना, जे कोई कथन करन लगे उन्हां दी अवस्था नूं तां उहदा अंत नहीं पैंदा, उल्टा उसे बंदे दा ही अंत हो जांदा जिहड़ा अंत पाउण दा यतन करदा। तिथै लो लो आकार, उत्थे जिहड़े आकार ने ना सारे लो लो, प्रकाश ही प्रकाश दे आकार ने। एक तो साडे आकार ने स्थूल शरीरां दे, एक जिहड़े अगे जा के उपर सचखंड दे विच प्रकाश दे आकार तुरे फिरदे रहिंदे ने, देखण नूं इउं लगे जिवें आ बंदा लंघ गया इत्थों, पर जांदा हुंदा प्रकाश, सिर भी है, बाहवां भी है, लत्तां भी है, देखण मात्र लगदे ने, पर हुंदा उह प्रकाश है। जिवें आपां कहिंदे कि महाराज दे दर्शन किवें हो जांदे ने, महाराज भी जब दर्शन देंदे ने ऐ प्रकाश रूप विच ही हुंदे ने, बिल्कुल आकार उसे तरह दा ही हुंदा है, पर हुंदा लो विच है, प्रकाश विच आकार हुंदा है। लो लो आकार, उत्थे कई लोकां दे आकार ने, भाव कई धरतियां तों आए हुए गुरमुख प्यारे उत्थे निवास करदे ने। जिवें जिवें हुक्म तिवै तिवकार, जिवें जिवें उहनां नूं हुक्म हुंदा है उह उसे उसे प्रकार कम करदे ने। जा वी तूं फलानी धरती ते जाके प्रचार कर, तूं फलाने थां जा, तू फलाने थां चलिया जा, तू फलाने थां नाम जपा के आ, उन्हां नूं जिवें जिवें हुक्म हुंदा है वह उसे उसे प्रकार ही जाके काम करते हैं, धरती ते जन्म लेंदे ने। धन 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 जाने आया जिस प्रसाद सब जगत राया, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तीन जन को सदा नमस्कार। वह सानू भी कल्याण करा के फिर वापस चले जाते हैं। इउं उन्हां नूं जिवें अकाल पुरख का हुक्म हुंदा है, जिवें महाराज ने दसवें पातशाह नूं हुक्म हो गया भी जाओ संसार ते प्रचार करो जाके। वेखै विगसै कर विचार, जदों ब्रह्म ज्ञानी वेख लैंदा अपने हिरदे दे विच, जदों वेख लैंदा पूरे ब्रह्मंडां दे विच खंड मंडल वर भंड विच परमात्मा दी जोत नूं, तां विगसै खिड़दा है, कर विचार, वह विचार ही करदे रहिंदे ब्रह्म दी, ब्रह्म परमेश्वर दी विचार करदे ने। अकाल पुरख उहनां नूं वेख के खुश रहिंदे ने, वेखै विगसै कर विचार, वो यही विचार करते हैं इनू कित्थे भेजना, इनू कित्थे भेजना, कित्थे इहदी सेवा लाउणी है। पर महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे मैं इन्ना ही दस सकदा,
ਇਦੂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰ ਤੱਤ ਲੋਹਾ, ਜਿਵੇਂ 40 ਕਿਲੋ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੁੱਟਦੇ, ਜਦ 1 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਤੱਤ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਡਰ ਤੇ ਮਾਰਦੇ, ਗਾਡਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਗਾਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰ ਤੱਤ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੀ ਕੁ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਥਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਓਨੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਓਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਓਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 37 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਖੰਡ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੱਗਰੀ। ਇੱਕ ਧੂਫ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ? ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਰੀਆ, ਅਤੀਤ। ਅਤੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, 7 ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਤੁਰੀਆਤੀਤ ਅਵਸਥਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਆਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਸੋ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ, ਸਤਵਾ ਪਾਤ ਆ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ, ਅੰਸ ਸਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ, ਫਿਰ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੁਰੀਆ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋਣਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ, 7 ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ? ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਦਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕਈ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਾਤ ਪਾਹਾਰਾ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ, ਹਾਹੇ ਕੰਨਾ, ਰਾਰੇ ਕੰਨਾ,
आम पाठ विच करना ही छड़ दें ज्यादा। जात पहारा, जात पहारा, पप्पे नूं कन्ना भी बोल के जाना है। पहारा हुंदी कारखाना, दुकान, वर्कशॉप। सुनियारा अपनी दुकान ते सोहने गहने कड़के रखदा। आपां कहीए टांका लाउणा है, भेजदे वर्कशॉप, भेजदे साडे कारखाने च भेजदे। कारखाना पहला हुंदा सी, कारखाना विच ही हुंदा सी। हुण जरा कारखाना एक पासे हुंदा ते दुकान, पहला पुरानी गल कर ली। कारखाना विच ही घाड़त भी नाल ही घड़ी जांदे ने। महाराज कहिंदे जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति लई इह सारिआं नालों पहला साडे कोल कारखाने की लोड़ है। वर्कशॉप जिहड़ी चाहीदी उह हैगी जत। जद तक साडे कोल जत नहीं, उदों तक भगती की आरंभता ही नहीं हुंदी है। क्योंकि जत जरूरी है। जत एका नारी जती होए पर नारी धी भैण विखाणा, यह गृहस्थी लई यही जती सती। वह बाकी दे जिहड़े जत ने उह तां विहंगमां वास्ते वक्खरी किस्म दे हुंदे ने, किसे वास्ते किसे किस्म दे हुंदे ने। कई इहो जिहा जत भी रखदे ने कि पात्र रूप ना पेखा नेत्र। जिवें लक्ष्मण जी ने सारी जिंदगी सीता का मूँह नहीं देखा, है कि नहीं? रिकॉर्ड वाली गल, एक मूँह ही नहीं देखना। लोग बड़िया बड़िया किताबों अपना नाम लिखाते हैं, मैं आह रिकॉर्ड कायम किया, मैं आता। उन्हें सारी जिंदगी सीता के पैरों तो ही सीता पछाणिया। ये कहना जात तो मूँह भी नहीं देखना इसत्री का, वह तो बहुत व्डा जात है ना, वह तो कोई रख ही नहीं सकता। गोरख जती होया, एक थले बहुत वड्डा छप्पड़ सी पानी वाला, उत्ते एक दरख सी बोर्ड दा, उहदी एक टहिणी पानी तक उपर तक जांदी सी। गोरख उहदे उत्ते बैठ जांदा सी क्योंकि जती सी। कहिंदा सी काम नूं जितना, नींद आउण नहीं देनी। जदों उहने टाणी दे उत्ते बैठ जाणा, उहनूं नींद आउणी, उह डिग पैणा थले, थले पानी विच डिग पैंदा सी। उह पानी डिगना फिर जाग आ जानी, फिर उन्हें भज के दरखत ते चढ़ जाना। सो इस प्रकार उन्हें अपनी नींद नूं विशियां नूं जित के गोरख जती कहाया अपने आप नूं। जिन्ने भी पुराने भगत होए ने, जती होए ने, सारे विच जत सत है। तो सरूप नखा ने लक्ष्मण नूं यही कहा शादी कर लै, ताइयों नक वढ़ना पिया उन्हूं। तो जती सती बंदे नूं कोई जे एक छेड़े जाके फिर वह पुट्ठा ही कर दिंदा दूजे नूं। इस करके महाराज कहने ये जिहड़ा जात है ना, यह एक बड़ी वड्डी चीज। जद तक तो जे कोई कहे मैं दुकान करनी है, सौदा पाउणा, कित्थे पाउणा? दुकान है जां मैं कोई वर्कशॉप खोलनी है, कोई दुकान तेरे कोल है? वह तो है नहीं। महाराज कहने जे तुसीं ब्रह्म ज्ञानी बनना, इन्नी उच्ची पदवी प्राप्त करनी है, सारिआं नालों पहलां तुहानूं जात विच आउणा पवेगा। यह तो महाराज बड़ा औखा। फिर सतगुरु कहने फिर अपना आराम ना घर बैठ, रोटी पानी खा, क्यों तू फिर ब्रह्म ज्ञानी बन नूं तुरिया फिरदा? वी मेरा मन टिक जाए, मेरी कोई अवस्था बन जाए, मेरे अंदर कोई सिमरन शुरू हो जाए। जे भलवान बनना तो भलवान नूं भी यही कहा जाता भी जो जत सत कायम रखे अपना, तां भलवान बनता। देखना भी नहीं किसे, ताइयों लोग भलवान दे गोडियां हथ लाउंदे, क्यों? वह भी देवत्यां दी गिणती च आ जाता, वह भी माड़ा सोचता भी नहीं। हो ताइयों तो इन्ना वड्डा भलवान बन जाता। तो इस करके सतगुरु महाराज कहने पहला जात लियाओ अपने अंदर, पहला अपने अंदर जात लियाना। बस इस चीज़ नूं याद कर कि श्रवण सिमरन कीर्तन, जिहड़ा माड़ियां गल्लां दा सुनना, माड़ियां गल्लां नूं याद करना, माड़ियां गल्लां दा जस करना। विशियां दा जस करी जाणगे कई लोग, इसे तरह ही अगे तो अगे वधी जाना वधी जाना। इन्हां गल्लां तो अपनी जबान दे उत्ते बिल्कुल ताला ला के रखना पैंदा कि माड़ी गल करनी ही नहीं है, विशियां दी कोई गल बोलनी भी नहीं। ये तो तुसीं सुन के भी कहोगे भी औखा काम है। महापुरशां नाल जो तुसीं रहिंदे सी, संत हसण दा भी हुक्म नहीं सी, बस मूँह बंद ही रखना, बैरागमयी चेहरा बना के रखना। जे हस पिया ना फिर खैर नहीं तेरी, सौ बैठक कढ़ाऊंगा तेरिया मैं। क्यों हसया सी? इतने हसना है
बाबा आनंद सिंह जी कलेरां वाले एक बार संगत च प्रचार कर रहे, बड़ी संगत बैठी, उन्हां नाल जिहड़े संगी बैठे सीगे 20-50 अगे चिट्टे चोले पा के गिट्टियां तक लम्मे, वह भी विरागमयी मूर्तियां बैठियां सी, उन्हां विच्चों एक जना संगत च बैठा माड़ा जिहा हस पिया। महापुरश कहिंदे होए मुरदे भी कदे हसदे हुंदे आ, वो जद एडा खफण पाया तेरे गल च चिट्टे रंग का खफण पा के मुरदया तू हसदा जा चला जा इथों, जिन्हें साढ़े नाल रहना वह हसना भी नहीं। बड़ी सख्ती है, केस जे केस केसी इनान किया गिले केस खिलार के रहतनामे च लिखिया माइया के अगे नहीं जाना, इन्नी सख्ती है इन्हां गल्लां विच, देखना नहीं गल्लां नहीं करनियां किसे नाल, जे गल करदा दिख गया उहनूं बाहर ही कढ दे चल इथों। हुण जिहड़ा जात उह दिनों दिन अपना जात ही घटदा तुरिया जा रहा, टीवी आ जिहड़ा टीवी जात नूं ही खोरा लाउंदा कि जात नूं मुका ही दित्ता इहने, चलो कम ही खत्म करता, भगती की दुकान ही उड़ा दित्ती इहने। वाहिगुरू कृपा करे आपां भी बेनती करे, महाराज हुण तुसीं सानूं कृपा करो जात साध की दात बख्शो, जात जिहड़ी है पहारा ये बिठाना सुनियारा दुकान विच, सुनियार केड़ा धीरज सुनियार, महाराज कहने जिहड़ा दुख सुख बिरती सम रखनी है धीरज रखना है, बहुत धीरज चाहिदा भगती दे विच। कोई गालां कढ जांदा, कोई कुछ बोल जांदा, कोई कुछ बोल जांदा, पर धीरज नाल बैठा रहिंदा, उहनूं पता है कि दुनिया का सुभा ही है जिहा कि दुनिया के दोनों पासे दंदे ने, दाती दे एक पासे दंदे हुंदे, दुनिया के दोनों पास लोग बड़ियां गल्लां बोलदे आ और ऐसियां गल्लां बोलदे जिहड़ियां अणहोईआं ही हो जांदियां ने। ऐसा धीरज रख्या गुरु अमरदास महाराज ने, उहनां नूं उत्थों दे जिहड़े शरारती लोग सी कई विच इहे जिहे वी हुंदे ने, उहनां ने इह कहिणा बाबा घरों कढ़िया होया सारा दिन पानी ढोई जांदा, कदे आह करदा पाटे कपड़े पाए, एक कहिंदा आपां इहनूं रोज इन्नियां तरक्कां मारदे इह जांदा नहीं इत्थों, कहिंदे जाऊगा कित्थे, घरदिआं नूं तां घरों कढ़िया होया इहनूं। ऐसियां ऐसियां तरक्कां ताने मेहणे भगती दे विच वजदे ने, कड़ाह खाण चलिआं गुरद्वारे, आपां नूं उसे टाइम थोड़ा जिहा हुंदा औखियाई मन नूं इह की बोलदा, उह किसे शराबी नूं कोई नहीं कहिंदा तूं शराब पीण चलिआं ठेके, कहिंदे जा रिहा टल्ली होया, उह ते खुश हो जांदे लोक, माड़े काम करन वाले नूं कोई कुछ नहीं कहिंदा, उह मौजां करदे आ, पर जदों आपां चंगा काम करन लगदे आ उदों आपां नूं इउं दुनिया च हो जांदा जिवें पाणी जिधरों आउंदा होवे उधर नूं तर के जाणा औखा हुंदा। भगती इसे तरह ही है, जिधरों पाणी आउंदा उधर नूं तरना पैंदा, ते दुनियावी तौर ते जिधरों भाखड़ा दा पाणी इधर नूं जांदा नरवाणे वल नूं, इधर नूं तां भावें पुट्ठे पै के माड़े माड़े हथ मारदे जाओ सौखे तर के पहुंच जाएंगे जिथे मर्जी, पर जदों पुट्ठे पासे नूं पाणी ते जाना पैंदा उदों उदों तरना बड़ा औखा। भगती विच वी पुट्ठा राह है, 99% लोग तो जा रहे हैं विशियां वकारां वल नूं, नकली गुरुआं वल नूं, ते बहुत दुनिया भर के पुट्ठे काम करते हैं, ते सिख ने जाना उदों पुट्ठे पासे नूं, इसे करके लोग आपां नूं कहिंदे पुट्ठे आ, आपां है ही पुट्ठे, पुट्ठे राह नूं चलना है, जो दुनिया करती है वह नहीं असी करना, जब लग खालसा रह न्यारा तब लग तेज दे मैं सारा। महाराज कहते तुम जाना ही पुठे रस्ते है, जिधर न दुनिया जाती है उधर नहीं जाना, वास्तव के जेड़े रस्ते लोग पुठा कहते वह सीधा है, तो जिधर लोग जाते वह राह पुठा। इस करके महाराज कहने जे भगती करनी है मेरे को आना, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ, जात रख के आई धीरज नाल लैके आई, यह ना उत्थे बुड़बुड़ करन लग जाए कि मैनू फलाने ने ऐ बोलता मैनू फलाने ने ऐ, धीरज रखना पैना बहुत भारी धीरज रखना पैना। अहरण मत अहरण आड़ा हा हर आरा अनाणा सिहारी, एक हुंदी आरण आड़े नू कन्ना रारा ते नाणा, आरण आरण कहिंदे ने पट्ठी नू, जिहड़ी सुनियारे कोल पट्ठी हुंदी है जां लोहार कोल पट्ठी हुंदी है जिहदे चो कोले पाए जांदे ने पक्खी चलाई जांदे ने अग बलदी है, एक हुंदी अहरण, ये जिहड़ी अहरण हुंदी है ये हुंदी लोहे दा वड्डा सारा ढेला,
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਥੌੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਰਣ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆਰਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਅਹਿਰਣ ਮਤ। ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਿਰਣ ਵਰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਥੌੜੇ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਤਰਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਆਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਡਾਹਿਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੜਾਹ ਖਾਣ, ਆਹ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ ਹੁਣ 900 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਤ ਐਸੀ ਅਚੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ, ਕੂਕਰ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ